Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं वाह क्या सीन है ट्रेंडिंग मीम फ्रॉम द चैनल मीमा हब. तो मीमा हब के चैनल पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो आया है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम इनके वीडियो देखने वाले हैं. एंड ऑल्सो आई डोंट नो कि उनके चैनल पे मतलब वीडियोज इतने ज़्यादा पोस्ट क्यों नहीं हो रहे थे, लेकिन जब भी ये स्टार्टिंग में थे इनके चैनल पे इतने सही मीम्स आया करते थे एंड आई होप सो आज भी वैसे ही धमाकेदार मीम्स. सो लेट अस सी हाउ मीमा हब मीम्स आर गोइंग टू बी. चलिए देखते हैं, चलो लेट्स गो. मैं चाहता हूं कि प्यार का तौर तरीका अब चेंज हो गया है. द चेंज ऑफ द लव वेरिएशन. रीसेंट वे में बात करना चाहूंगा. देखिए पहले पहले के दौर में प्यार में दो होंठ चूमते थे, आज के दौर में प्यार में चार होंठ चूमे जाते हैं. वाह वाह है. तू समझा? बचना नहीं. तो शर्मा जी के शो पे जाके ढस दिया, बख्श दिया, लेकिन मैं भूलता नहीं. बॉलीवुड एक्टरों के नीचे बनता है झूलता नहीं. हाय हाय. हेलो गाइस, स्वागत है आपका मीमा आप की एक और नई वीडियो में. तुम जो है वीडियो बना रहे, अब मेरी समय में बात आई. तुम मारे से बोल रहे सरकार कैसी, हमने कुछ अंदर की भड़ास निकाल ली. ये गुलता सिद्ध कह दिया प्रशासन मारी गांड पर भट्टा बजावेगी और तुम मजे लोगे. मुझे 14 शॉट्स चाहिए. मुझे 14 मुझे 14 अरे मतलब क्या बात है सर, क्या बात है सर. सॉरी गुड मॉर्निंग सेठ जी. आओ आओ बाका. गुड मॉर्निंग नटू काका. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. ये देखिए सेठ जी, मैं किसे लेके आया हूँ. अच्छा, पहचाना? कस्टमर. क्या बात है सर, क्या बात है सर. एक लड़की और चश्मे में क्या समानता होती है? गुड क्वेश्चन. एक लड़की और एक चश्मे में समानता क्या होती है? दोनों क्लियर दिखाते हैं. आए दोनों क्लियर दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? अच्छा समझ रहे हो, समझ रहे हो. और कोई अच्छा आपको लगता हो कि क्या समानता है? यही है कि क्लियर व्यू दिखाती है. नहीं क्या है इसका जवाब? है एक लड़की एक चश्मे में समानता ये होती है कि इस्तेमाल के टाइम दोनों की टांगे खोलनी पड़ती है. अबे विलोटे, तू इनको है ना मैडम मत बुला, तू तो इनको स्वीट हार्ट बुला. जाने मन बुला, दिल रुबा बुला, जानू बुनो माय लव बुला. अबे बुला चम्मक चलो. क्या बात है सर, क्या बात है सर. अकबर के बेटे के बाप का नाम क्या था? अकबर के बेटे के बाप का नाम अकबर. हुमायूं. अकबर के बेटे का बाप क्या होगा भाई? आपका नॉलेज तो कमाल का. देख लो भाई हुमैन. आपका कोई बॉयफ्रेंड था? कभी भी नहीं. कभी भी नहीं? नहीं. क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आई एम अ लिटिल टू स्ट्रेट फॉरवर्ड. जहाँ पे वो मेरे आगे फेक कर रहा है मैं उसे बता देती हूँ कि डूड ले ऑफ. हाउ ओल्ड आर यू? 19. दिमागी एज आपके 9 साल है. कभी भी किसी लड़की ने आपसे आके कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें डेट करना चाहता है? और क्या कहा तुमने उनसे? मैंने कह दिया तेरी मम्मी की आईज एंड खत्म. मम्मी की आईज? मम्मी की आईज? दिमाग की आंख. मम्मी की आईज. दीदी वाह दीदी. कौन वुमेन? 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. आए देख लो भाई. मैं तो बोलता छोड़ो पेंच. शादी से याद आया, बहुत अरसे पहले की बात है, मेरा एक दोस्त था. अच्छा अब तो चला गया बाहर, वो अल्लाह उसको सेहत दे जिंदगी. मेरा एक दोस्त है,
तो उसके कजन की शादी थी, तो वहां बैठे हुए थे स्टेज पर, रस्मात चल रही थी, तो मेरे बराबर में एक बंदा बैठा हुआ था, मुझे कह रहा देखो यार आज जो ये लड़की स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी है कल तक हमारी गोदों में खेली है। मैंने बोला आप लड़की वालों की तरफ से? कह रहा नहीं मैं इसका बॉस हूँ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ओके ये ज़बान पे थोड़ी सी मिठास आए यार, पूरी सुपरस्टार है, चुप हो जा यार अब। इतना जाम वाम लग गया ना, दिमाग खराब कर रखा है जाम ने यार, आधा घंटे से ऊपर हो गए जाम में फंसे हुए। हाँ भाई तू भी बता क्या हुआ। भैया किताब ले लो भैया, बहुत बढ़िया किताब है। अरे नहीं भाई किताब विताब नहीं चाहिए मेरे को, मेरी पढ़ने की उम्र चली गई है। बात तो सही है, ले लो भैया जी। नहीं भाई बिल्कुल नहीं चाहिए यार। तो भैया क्यों नहीं चाहिए भैया? शादी हो रखी है, मैं उससे वैसे बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस टाइम पे। तो कॉन्डम ले लो भैया, वो भी रखता हूँ। अपने सीनियर से बात करने की रिस्पेक्ट नहीं है। नाम क्या जी लगाइए। बात तो सही है। सॉरी जी वरुण जी। नहीं एक्चुअली जी ना लगाइए, थोड़ी एल्डर वाली फीलिंग आती है। आपका जो मेरा मन है प्यार से बुला लीजिए। ओके वरुण भैया। गजब बेइज्जती है। आगे स्वाद। ढाई रुपए ना मांग रहा बेटा, 2500 भी ना मांग रहा, तू 2.5 करोड़ रुपए मांग रहा है। अरे बाप रे। चलो आज मुझे पता लगा कि मेरी औकात क्या है इस घर में। पता चल गया ना साइड हो जाती। ये तो कुछ भी नहीं है, पैदा हुआ इसने माँ बाप अलग करवा दिए। कैसे? क्या हुई? दोनों लड़ने लगे, कहते तुम पे क्या है, कहते तुम पे क्या है, कोई ले ही ना इसको। फिर मैं लेके आया इसको। चलो सर मैं पैदा हुआ, मैंने अपने माँ बाप अलग कर दिए। तो भाई साहब जब पैदा हुआ इन्होंने तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करवा दिया था, सारे कह रहे थे जिसने किया बाहर आ जाए भी अपने आप। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम, ऐसे ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी रखेंगे। अभी से यार इतने छोटे हो भाई, यो हिला डाला ना। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। तो बेसिकली मैं आपकी तारीफ कर रहा था सर, इफ यू डोंट माइंड। तो ऐसा है कि आपसे बहुत कुछ सीखा है। अच्छा कि बंदा चाहे जितना मर्जी बड़ा मालिक बन जाए कंपनियों का, अच्छा शार्क बन या मालकिन, मालकिन ऑफ कोर्स, पर जमीन से जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। आप लोग सभी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आप लोगों ने पूरा सीजन 4 जोड़ी कपड़ों में काट दिया। एवरी एयर मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। आज बैगन पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अरे भाई मीमा आप इतने दिनों बाद आए हो, आप सही था यार, मींस आज तो लाइक थोड़े थोड़े 4-5 दिन नॉटी तो थे, लाइक स्टार्टिंग वाले सच्ची में नॉटी थे, मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, लेकिन आई लव द वीडियो भाई, मतलब ऐसे ही लाते रहो, विल बी वेटिंग फॉर योर वीडियोज राइट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोज चाहिए वो भी कॉमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आई डी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।